आपके शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में सारे पंजाबीज का वार्म वार्म वेलकम। जी हाँ, आज हम आए हैं लुधियाना स्मार्ट सिटी और हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पंजाब के बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही रिनॉन्ड सिंगर मिस्टर हैप्पी लापरा जी से, जिनको आप काफ़ी म्यूजिक वीडियोस में देख चुके हैं और उन्होंने बताया कि वो अराउंड 15 ईयर से सिंगिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं उनसे। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सत श्री अकाल सारिआं नूं। सर कैसे हैं आप? बहुत वधिया, चढ़दी कला। सर पहले बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली? मेरा पिंड लापरां जी, राड़ा साहब दे कोल। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी से ही आपका नाम एक जुड़ा है, हम कह सकते हैं हैप्पी लापरां जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मेरे पिंड से दा नाम। हाँ जी, बिल्कुल। तो सर अब बताइए कि आप कितने साल हो गए आपको सिंगिंग लाइन, जैसे हमने बताया 15 ईयर तो आपने बताया। 15 साल हो गए जी इस लाइन में जुड़े हैं। उस तो पहला भंगड़ा लाइन च सी ते, हाँ जी। आप सिखाते थे भंगड़ा? हाँ जी, सिखाते भी थे ते साथ में हम करते भी थे। बिल्कुल। तो सिंगिंग लाइन में कैसे एंट्री हुई आपकी? शुरू से शौक था, कॉलेज टाइम से गाते थे हम। कॉलेज में गाते गाते शौक बढ़ता गया और यारों दोस्तों की सपोर्ट होती रही तो अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, तो इस लाइन में आ गए। सर फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई सिंगिंग लाइन में है? नहीं जी, कोई नहीं। कोई भी नहीं है? फर्स्ट टाइम? गुड। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। आपने ट्रेनिंग किससे ली सिंगिंग? मेरे अभी तक रस्मी तौर पे हमने किसी के साथ कोई रस्म नहीं की पगड़ी की। वैसे मैं सर्व सुल्तान सिंह से सीखा हूँ और जसवंत संदीला जी के साथ काफ़ी समय से मैं स्टेजों पर काम करता रहा हूँ, काफ़ी सिंगर के साथ मैं रहा हूँ। सर फैमिली से जैसे आप सिंगिंग लाइन से जुड़े, कितना आपको सपोर्ट मिला शुरू से? शुरू से तो नहीं मिला, नहीं मिला। कैसे, क्या कहा जाता था आपको? रोकते थे कि आप ये काम मत करो, इस ये अच्छा काम नहीं है। लोग पिंड में ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते थे ना, भी ये लाइन अच्छी नहीं है। लेकिन मेरे को बहुत शौक था, पहले मैं राइटर था, गाने लिखता था, तो घर वालों से चोरी में गाने लिखता था। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कैसे उनको फोर्स किया, इंस्पायर किया कि वो आपको इस लाइन में जाने के लिए रेडी हो गए? मेरे फादर साहब को उनके दोस्त ने मेरा लिखा हुआ सॉन्ग सुनाया था, तो बताया नहीं था कि किसका लिखा, तो उन्होंने पूछा कि कैसा लगा सॉन्ग। मेरे फादर साहब बोले बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि आपके बेटे का लिखा हुआ है ये, तो वो बोले ठीक है यार। मैंने तो इतना कभी सोचा नहीं था, तो अच्छा लिखता है तो अच्छी बात है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आपके पिंड में कोई ऐसा फर्स्ट सॉन्ग जो आपने वहाँ पे सुनाया और आपको खूब उस चीज़ में अप्रिसिएशन मिली हो आपके पिंड वालों की तरफ से और फैमिली की तरफ से, जिन्होंने पहले आपको सपोर्ट नहीं किया? वो गाना सर आपको यहाँ पे सुनाना पड़ेगा जो आपका फर्स्ट सॉन्ग था। फर्स्ट सॉन्ग तो मैं पहले कुलदीप मानकी जी की कली गाता था कॉलेज में भी। सुना दीजिए फिर। ठीक है जी। हो मड़ा मुही रूप दग मान कर दी नी तेनू तकना भी नहीं, हो किड्डी क तू सोनी अड्डा मान कर दी नी तेनू तकना भी नहीं। इस गाने तो मैं सिंगिंग लाइन दे विच आया जी, सब तो पहला कॉलेज दे विच भी मैं ही गाना गया सी, ते बहुत ज़्यादा मैंने पसंद किया ते आवाज़ नू। ब्लेस विद सच ए ब्यूटीफुल वॉइस। तो आपको कैसा लगता है जब आप अपने पिंड में जाते हैं तो वहाँ के लोग इतना प्यार देते हैं, कैसे लगता है? बहुत प्यार देते हैं जी, अक्सर नहीं था, कई बार हम जिस पिंड में रहते हैं ज़्यादातर लोग बर्दाश्त नहीं करते, पर मेरा पूरा जो गांव है मेरी बहुत सपोर्ट करता है हर तरीके से। तो हाँ, मेरा बहुत मान सत्कार मेरे को मिलता, पिंड में कोई भी फंक्शन हो तो मेरे को अटेंड करवाया जाता है, कोई स्कूल में फंक्शन हो वहाँ पे मेरे को बुलाया जाता है, मेरे से मान सम्मान दवाया जाता है, बच्चों को ट्रॉफी देता हूँ, तो मेरे को हर जगह आगे रखते हैं मेरे पिंड वाले। कितने म्यूजिक एल्बम्स में काम कर चुके हैं? तकरीबन 25-30 गाने मेरे मार्केट में आ चुके हैं। हाँ जी सर, एक गाना और हो जाए फिर तो। पीछे थोड़ा पीछे मेरा एक VCN कंपनी की तरफ से गाना आया था जसदीप बाबा की सपोर्ट के साथ, वो आपके सामने मैं रूबरू कर रहा हूँ। हो मुड तो ही यारा देता अथरे असूल है, धक्के शाही किसे दी भी कीती ना कबूल है, टौर मित्रां दी एदा ही बनाई रखी तू, आ यारा नाल महफला सजाई रखी तू, लख वारी करा शुकराना रब्बा तेरा बस, ऐसे तरह गुड्डियां चढ़ाई रखी तू, लख वारी करा शुकराना रब्बा तेरा बस, ऐसे तरह गुड्डियां चढ़ाई रखी तू। सर इतनी ऑथेंटिक वॉइस है ना आपकी, तो पता लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप पंजाबी फोक म्यूजिक को ज़्यादा फोकस करते हैं पंजाबी म्यूजिक? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पंजाबी हैं तो पंजाबी गल करेंगे, मैं तो अड़ना हिंदी जी गल कर रहा हूँ, मैंने बहुत औखा लग रहा है। आप पंजाबी बोल सकते हैं उसमें कोई? बिल्कुल ठीक है जी, पंजाबी बहुत पसंद है जी, पंजाबी आप पंजाबी खाना पीना पंजाबी रहना बहुत पसंद है जी। आपको पर्सनली किस तरीके के गाने, जैसे हम देख ही रहे आजकल जो यूथ है कैसे गाने सुनने पसंद करता है,
आपको भी इस लाइन से आप जुड़े हुए हैं, तो आप पर्सनली किस तरीके के गाने आप खुद लाइक करते हैं? मेरे मैनू ज़्यादा लोक तत्थ पसंद ने जी, जो पिंडां दीयां गल्लां, सत्थां दीयां गल्लां, सच्चियां गल्लां मैनू सुननियां चंगियां लगदियां ने ते गाउणियां चंगियां लगदियां। कह सकते हैं हमें पंजाबी सभ्याचार के साथ, विरसे के साथ जोड़ के। बिल्कुल जी बिल्कुल, सभ्याचार चीज़ां वधिया लगदियां। तो आने वाले टाइम पे अब आपके कौन कौन से म्यूजिक एल्बम्स और आने वाले? जल्दी रिलीज करन लगे हैं जी, जिहड़ा गाने दी अज शूटिंग लई इत्थे पहुंचे हैं, तो वो गाना आप दे रूबरू करांगे। पग द ब्रांड की गल की गई है, बहुत सोहना गाना लिखिया छिंदा लापरां जी, तो वो म्यूजिक डायरैक्टर ने सुखवीर जी, तो हरविंदर मट्टी जी लापर प्रोडक्शन के मालिक ने, वो इस गाने रिलीज़ कर रहे हैं। गुरमीत मंगा जी इसका वीडियो कर रहे हैं, तो सारी टीम रल के बहुत वधिया काम करी है। राजीव ऋषि जी इस गाने दे विच मेन लीड ते ने, ते उन्हां दे नाल मोनिका जी मॉडल, ते सारी टीम बहुत वधिया तरीके नाल काम कर रही है जी। इस गाने तो बहुत उम्मीदा ने, मैं दर्शकों तो उम्मीद करदा कि जिवें पहला गाणियां नूं तुसीं बहुत सारा प्यार दिता, इस गाने नूं बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। सर जैसे हम देखते हैं, जैसे पहले भी बात हुई थी कि जो म्यूज़िक एल्बम्स आजकल आ रहे हैं या जो आजकल यहाँ का पंजाब का यूथ सुनना पसंद करता है, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वायलेंस क्रिएट हो रही है या नशे की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं सिंगिंग की वजह से? हाँ जी बिल्कुल जी, वैसे ये माड़ियाँ गल्लां ने जी, नशे तो ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि ये जिहड़ा शरीर है एक बारी असीं इत्थे आए दोबारा पता नहीं कदों आना जा नहीं आना, तो ये जिहड़ा सानू जन्म मिलिया ये जन्म दे विच सानू चंगे काम करने चाहिए ने, ये शरीर तो चंगे काम लेने चाहिए ने, नशियां तो ग्रेज करना चाहिए। पंजाबी मूवीज, पंजाबी विरसे से जुड़ी कोई ऐसी मूवी बने जो पूरी पंजाबी सभ्याचार को दिखाए, तो अगर आपको मौका मिले आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, जरूर जरूर जावांगे जी, जे ओहो जी कोई वधिया फिल्म होगी तो मौका मिलो तो जरूर जावांगे जी। अभी किस किस मेन उनके साथ आप, जैसे आपने बताया मिस पूजा के साथ काम कर चुके हैं, कैसा लगता है जब इतने एक्सपीरियंस बंदों के साथ आपको काम करने को मिलता है? बहुत चंगा लगता है जी, मिस पूजा जी नाल मेरी एल्बम बनी है, तो उस तो अलावा सुदेश कुमारी जी बहुत वधिया आर्टिस्ट ने, उन्होंने मेरे सोंग काफ़ी गाए मैं कट्ठिया ने, तो उन्होंने कुछ सीखने को भी मिलता जी, क्योंकि जो सीनियर आर्टिस्ट ने काम किया जाता तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता जी, बहुत वधिया लगे जी। आप सिंगिंग लाइन में अपना आइडल किसको मानते हैं? मैं कुलदीप माणक जी तो बहुत ज़्यादा प्रभाव सीखा जी, शुरू तो ही गुरदास मान जी बहुत ज़्यादा पसंद करता जी। हाँ जी, आज भी सब उनके गानों को अगर सुनते हैं तो कहते हैं उनमें पूरी तरह डूब जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जाते जाते लुधियानवीस को, पंजाबीस को आप कोई अपनी तरफ से एक मैसेज दीजिए अच्छा सा। मैसेज वैसे मैं मैसेज देने दे। गाना भी गाना है और एक मैसेज भी देना है। मैसेज देने दे मैं योग्यता नहीं, बहुत छोटा, मेरे तो बहुत लोग सीनियर आर्टिस्ट बैठे हैं जहाँ मैसेज देने वाले, पर फिर भी मेरी मैसेज यही है जी, रुख लगाओ, सेहत को बचाओ, तो नशे तो ग्रेज करो, ये मेरा मैसेज है जी। जाते जाते एक सॉन्ग होगा जी। ठीक है जी, पिछे जे एक मेरा गाना होया सी रिलीज, जो अजकल दे समय च चल रहा दौर, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਤੋਂ ਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੱਲੀਏ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਏ ਜਹਾਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਲੈਂਡ ਵੱਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਤੋਂ ਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੱਲੀਏ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਏ ਜਹਾਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਲੈਂਡ ਵੱਲੀਏ, ਨੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਅਜੀਬ, ਕਹਿ ਮੌਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲਦਿਆਂ, ਉਹ ਬੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜੇ ਨਾ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਤੋਲਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜੇ ਨਾ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਤੋਲਦਿਆਂ। और आने वाले टाइम पे ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा धूम मचाएगा पंजाबी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। थैंक यू सर अपना टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के रिनॉन्ड सिंगर हैप्पी लापरान जी, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया अपने सिंगिंग के थ्रू कि वो चाहते हैं कि गाने ऐसे आने चाहिए जो हमारे पंजाबी सभ्याचार, पंजाबी विरसे को बचा के रखें, उन्हें संजो के रखें। तो आपको होपफुली बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलकर, और हमने भी शेयर किए उनसे बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट्स। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।